भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 44,376 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 92 लाख के पार पहुंच गए। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 86,42,000 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 92,22,216 हो गए। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से 481 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,34,699 पर पहुंच गई। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के 4,44,746 मरीजों का इलाज चल रहा है। यह संख्या मंगलवार के मुकाबले 6,079 ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या लगातार 5वें दिन 5 लाख से कम रही। यह संक्रमण के कुल मामलों का 4.82% है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 86,42,771 हो गई, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर 93.72% हो गई। कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 1.6% है।